फिल्म इंडस्ट्री में आजादी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? भाई पूजा, फिल्म इंडस्ट्री में आजकल कितने कैंप्स हो गए हैं, कोई शाहरुख कैंप का है तो कोई बच्चन कैंप का, और कोई सबसे बड़े कैंप यानी कि यशराज कैंप का हिस्सा है। हाँ, ये सेलिब्रिटीज इतने पॉपुलर हैं कि हर दूसरा एक्टर इनके साथ जुड़ना चाहता है। एग्जैक्टली, लेकिन पूजा क्या किसी कैंप का हिस्सा होना इतना जरूरी हो गया है? आई मीन इन्हें भी आजादी की जरूरत होगी। आई एम श्योर डेफिनेटली होगी, क्योंकि कुछ एक्टर्स तो ये मानते हैं कि इन कैंप्स के होने या ना होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बॉलीवुड में अपनी आजादी को पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। आई लाइक दैट। देश को आजाद हुए 61 साल हो गए हैं, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री आज भी बीड़ियों में जकड़ी हुई है। देश पर तो अंग्रेजों ने राज किया, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में सत्ता है बड़े बड़े कैंप्स की। अगर कोई एक्टर एक बार किसी कैंप से जुड़ गया तो वो उसी कैंप का गुलाम बनकर रह जाता है, और अगर किसी ने बगावत करने की हिम्मत दिखाई तो छिड़ जाता है कोल्ड वॉर। और इन दिनों तो इंडस्ट्री में ये कोल्ड वॉर बड़े बड़े सुपरस्टार्स के बीच चल रहा है। फिलहाल तो ये जंग शाहरुख और सलमान के बीच जारी है। ये जंग इस कदर बढ़ गई है कि दोनों एक दूसरे का सामना तक नहीं करना चाहते, और इससे नुकसान हो रहा है शाहरुख और सलमान से जुड़े कैंप्स के लोगों को। कटरीना का शाहरुख के टूर टेम्पटेशन से बाहर होना इस नुकसान की पहली मिसाल है। इसी तरह अमिताभ बच्चन और शाहरुख के कोल्ड वॉर के बीच करण जौहर फंसते रहे हैं। करण इन दोनों सुपरस्टार्स के बेहद करीब है। ये तो रही बात बड़े कैंप्स की, लेकिन एक पॉपुलर कैंप को हम कैसे भूल सकते हैं, और वो है भट्ट कैंप, जो कि जाना जाता है अपनी लो बजट पैसा वसूल फिल्मों के लिए। इस कैंप में कई नए नए टैलेंट्स को अपनी किस्मत आजमाने का मौका मिला है, चाहे वो डायरेक्टर हो या म्यूजिक डायरेक्टर। लेकिन अगर मेल एक्टर की बात करें तो बस एक ही एक्टर यहाँ राज करता है, और वो है इमरान हाशमी, जो इस कैंप का ब्रांड बन चुके हैं। वैसे बॉलीवुड में ये कैंप्स एक तरह से मजबूरी बन गए हैं, और इसीलिए बॉलीवुड के सभी सुपरस्टार्स मिशन फ्रेंडशिप पर हैं। आमिर खान, जो कि कुछ महीने पहले अमिताभ बच्चन से पंगे ले रहे थे, वही आज एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं। वही इन दिनों अक्षय कुमार भी अमिताभ बच्चन कैंप में शामिल हो गए हैं। अक्षय ने बच्चन के अनफॉरगेटेबल टूर में अपनी परफॉर्मेंस से 4 चांद लगा दिए, और उसके बाद अपनी फिल्म सिंग इज किंग के प्रमोशन के दौरान अमिताभ को इंडस्ट्री का किंग कहा। लेकिन ये वही अक्षय कुमार है जो अपने दम से इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। अपने करियर के शुरुआती दिनों में अक्षय किसी भी कैंप का हिस्सा न होते हुए मेहनत से आगे बढ़ते रहे और इस फ्रीडम को एंजॉय करते रहे। I can go wherever I want, I can do whatever film I want, I can take as much money as I want, I can do anything. बॉलीवुड में कुछ ऐसी एक्ट्रेस भी हैं जो अपने करियर के लिए किसी कैंप से जुड़ना चाहती हैं। इस मौके की तलाश में थी नेहा धूपिया, लेकिन उन्हें सही रास्ता नहीं मिल रहा था। पर अब लगता है नेहा को वो राह नजर आ गई है जिस पर चलकर वो अपनी मंजिल पा लेंगी। उनकी ये समझदारी फिल्म सिंग इज किंग से साफ नजर आ रही है। फ्रीडम इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड टू बी एबल टू डू व्हाट आई वांट टू डू, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली टू गिव अदर पीपल द फ्रीडम टू डू व्हाट दे वांट टू डू, एंड वी एज अ कंट्री हैव नॉट रीच्ड दैट एज येट, एंड द डे वी डू आई विल फाइनली से मेरा भारत महान। बॉलीवुड में कुछ ऐसे न्यू कमर्स भी हैं जो कैंप के बंधनों को तोड़कर पूरी फ्रीडम के साथ काम करना चाहते हैं, और ऐसा सोचते हैं सोनू सूद भी, जिन्हें अपने आप को प्रूव करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी ताकि कैंप की जरूरत ही ना पड़े। जैसे भारत को आजाद करवाने के लिए एक जंग लड़ी गई थी, मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री भी एक वैसा ही मैदान है जहाँ पे आपको रोज एक जंग लड़नी पड़ती है अपने आप को प्रूव करने के लिए। मैं लड़ रहा हूँ और कुछ ना कुछ भगवान साथ दे रहे हैं मुझे, और मुझे विश्वास है कि अगर मैं ऐसे ही लड़ता रहूंगा तो भगवान का कुछ और आशीर्वाद से कुछ और अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। बॉलीवुड में कुछ ऐसे एक्टर्स भी हैं जो सारे कैंप से जुड़ना चाहते हैं और उनके साथ काम करना चाहते हैं। ये पॉलिसी है एक्टर किरण खेर की। आई एम फ्रेंड्स इन सो कॉल्ड, लोगों ने कैंप्स जो बना दिए हैं इसका कैंप, बट आई एम फ्रेंड्स विद ऑलमोस्ट एवरीबॉडी, आई वर्क विद एवरीबॉडी, आई एडमायर एवरीबॉडी। सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक डायरेक्टर्स और सिंगर्स भी कैंप कल्चर के शिकार हैं, लेकिन उन्हें उससे भी ज्यादा शिकायत है इस फील्ड में अपनी पहचान को लेकर, और ऐसा कहते हैं सोनू निगम। अमेरिका में, इंग्लैंड में, पाकिस्तान में, सब जगह इंडिपेंडेंट म्यूजिक की जो इंडस्ट्री है वो फिल्म इंडस्ट्री के बराबर खड़ी होती है, इनफैक्ट कहीं कहीं ज़्यादा भी है। मतलब आपको पाकिस्तान के सिंगर ज़्यादा पता होंगे, एक्टर्स नहीं पता होंगे, है ना। अमेरिका में जस्टिन टिम्बरलेक की इज्जत और टॉम क्रूज की इज्जत एक ही होगी। हमारे यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम को छूटने में
तब तक टाइम लगेगा जब तक सिनेमा से म्यूजिक अलग नहीं होगा, जब तक हम जैसे लोग प्राइवेट एल्बम लेकर नहीं आएंगे। जाहिर है कि कुछ मजबूरी तो कुछ अपनी मर्जी के चलते किसी न किसी कैंप से जुड़े हैं, और जो लोग कैंप से अलग अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये कैंप भी तभी तक मदद करते हैं जब तक उन एक्टर्स की बॉक्स ऑफिस वैल्यू है। खैर, ये बॉलीवुड का दस्तूर है और आसानी से बदलने वाला नहीं है, क्योंकि इन कैंप से आजाद होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लगता है। मेघना जोशी, जू मुंबई।